वाराणसी में दो हत्याकांड से फैली सनसनी। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को लोहे की हथौड़ी से मारकर की हत्या। पैतृक संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों के बीच चल रहा था विवाद। मारपीट के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई को लोहे की हथौड़ी से किया हमला। बीच बचाव करने आई छोटे भाई की पत्नी पर भी किया हमला। मौके पर हुई दोनों की मौत। आरोपी भाई मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। लौता थाना क्षेत्र के धन्नीपुर बस्ती का मामला। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि ये एक ही परिवार के में घटना हुई है। जो एक निसार नाम के व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी खुशबू, उनके ही जो बड़े निसार के जो बड़े भाई हैं और उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने आज इनका पारिवारिक अपना झगड़ा रहता था और आज सुबह बच्ची को, जो तीसरे भाई की बच्ची है, उसको खाना देने के ऊपर कोई विवाद हुआ, जिसमें ये जो निसार और जो उनकी पत्नी खुशबू ऊपर उनको समझाने के लिए गए कि अभी गाली गलौज मत करिए। वहीं जो है वो निजामुद्दीन तथा उनकी पत्नी ने जो है इनके ऊपर प्रहार कर दिया। जो संभवतः जो हथौड़े से इनके ऊपर व्यवहार किया है वो भी ऊपर मिल गया है, आला कतल जो है। इनका जो तीसरा भाई था वो इनको जब गंभीर हालत में जो है सवेरे फिर अस्पताल लेके गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। मौके पे जो है वो जहां घटना हुई है वहां दोनों भाइयों, इनकी माता थी निसार की, निजामुद्दीन की, उनके द्वारा बताई गई हैं चीज़ें। छोटी बच्ची थी तो ये जो जिस पर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि भाई नहीं, जो है जो उनकी माता बता रही है, भाई और उसकी पत्नी ने मिल गई अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। देखिए, अभी ये तो अभी हम लोग इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं पूरा सारी चीज़ें, क्योंकि पुलिस को बहुत सूचना लेट इन लोगों ने दी थी, क्योंकि वो पहले घायल अवस्था में उनको लेके अस्पताल लेके पहुँचे। पुलिस को तब जानकारी, पुलिस आ गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना सर कितने बजे की थी? अब ये जो बता रहे हैं लगभग 9 बजे के आसपास इनकी जो जो मदर हैं वो बता रही हैं, जो बुजुर्ग हैं, लगभग 8:30-9 के बीच के करीब की बता रही हैं, और अभी इसमें कार्रवाई जारी है। ठीक है सर। अभी देखिए, उस एक जो एक हथौड़ी बरामद हुई है जिसपे खून लगा हुआ है, वो फॉरेंसिक टीम उसकी मिलान करेगी किसका ब्लड है उसके बाद ही। लेकिन संभवतः प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि जो हत्या में जो घायल करने में जो हथियार प्रयुक्त किया गया वही है। हमारे भाई कुछ ना, खाली खाना किया। कुछ एक्शन दीजिए आप। क्या नाम हो आपका माता जी? हमारा नाम जुलेखा है। हमारे लड़किया है, हमारे बेटवा हैं, पतो है। कुछ भवा नहीं रहे भैया, मार झगड़ा कुछ नहीं भला, खाली खाना खिया देना। बड़कू जाने का मेहर खुद चिल्लात रही है, जन छुटका है जने के मारे न, वो गल कलका करे चिल्ला जाता हूँ। तुहार लड़किया हन, हमार नहीं है, हम खिला दिए तो कौन ऐसा बड़ा बुरा कह दिया। यही पर वो हथौड़ा लेके गई न, मार के मुआई दी है, लोहा के हथौड़ा से मारे हमारे भैया की। दोनों लोगों के हथौड़े से ही मारे हैं? हाँ, हम देखे है, हम जाना था, वो नहीं गई न, कोई रहबा नहीं किया है। उनकर बिटिया, उनकर मेहर हाथ हमारे भैया के पकड़ ली, हमारे भैया बेबस हो गल, ना हमारे भैया के ना मार पौते जौन मारे सब बेटा हुआ। उनका नाम निजाम हुआ, मुन्ना मुन्ना सब करला। अमेहरी का नाम हुआ सजादी, बिटिया का नाम उनके है रोजी, और दोनों माई बिटिया पकड़ ली है ना उन्होंने मारे, वो मारे से। मदीना बेगम, क्या लगती है जब मरा नहीं उनका रम मत आ रही है ना? क्या हुआ था विवाद, कुछ आपको जानकारी है? अबे तो रात के बोलने रही ना, तो हमसे कोनो बात नहीं है। जो उनका मम्मी बताई लेन रही, हम तो यहाँ रहे नहीं, हम तो अपने घर रही। हम मत बम्बई से फोन खबर आला तो हम भागल चली आए।